students, today we are going to start fourth lesson of grammar and the title is the noun and its kinds. So in this chapter you people are going to study about the noun and different types, different kinds of nouns. See here I have mentioned those different kinds: common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. So what is noun? सबसे पहले हमें देखना है कि noun क्या है. Already in your previous classes, smaller classes, you have studied about noun. You have the basic idea about noun. But now in this chapter, let us go in somewhat depth and study it. See, a noun is a part of speech that is used to name a person, place, thing, quality or action. तो आपने जो है वो पहले सीखा हुआ है, आपको पता है कि noun क्या है. It is a part of speech. जस्ट लाइक एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब, तो उनके जैसा ये भी एक क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है. तो यहाँ पर जो है नाउन जो होता है तो वो क्या है, आपको पता है कि इट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग. ये आपको एक जनरल कंसेप्ट पता थी कि नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग. बट क्या आपको ये पता था, इट ऑल्सो नेम्स द क्वालिटी. वो क्वालिटी को भी नेम करता है एंड एक्शन को भी नेम करता है. जब कभी पर्सन की कोई क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा तो वो क्वालिटी भी आ जाएगी नाउन में, वो भी नाउन ही होगी. और जब कभी एक्शन के बारे में बोला जाएगा तो वो भी हो जाएगा नाउन. कोई एक्शन है तो वो भी नाउन में आ सकता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नेमिंग वर्ड. नॉट ओनली दिस, बट दिस नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेमिंग वर्ड. अब बता दो इसको नेमिंग वर्ड क्यों बोला गया होगा, बिकॉज इट नेम्स सर्टेन थिंग्स. ये जो है तो ये सर्टेन थिंग्स को क्या करता है, नेम करता है, नेम होता है उसका. तो इसलिए इसको एक दूसरा भी नाम है नाउन को, तो उसका उसको बोला जाएगा नेमिंग वर्ड. यूजुअली नाउन स्टैंड्स फॉर थिंग्स वी कैन टच. जनरली क्या होता है कि ऐसी चीजें जो हम टच कर सकते हैं तो उसको ये नेम करता है. एग्जाम्पल ऑफ सच नाउन आर पेंसिल, केक, बुक, ऑल दिस थिंग्स वी कैन टच. So all these things, names are noun. Some noun stands for things we cannot touch. Correct? ऐसी चीजें भी है जो हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते, तो वो भी नाउन ही है. एग्जाम्पल ऑफ सच नाउन, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, गुडनेस, ऑल दीज थिंग्स आर the things which we can't touch, but these are also nouns. So आपने दो तरीके के noun देखे, एक ऐसा noun देखा that we can touch और एक ऐसा noun देखा जो हम touch नहीं कर सकते, which we can't touch. Now see here types of nouns. तो ये आपको मैंने बताया 5 types of nouns होते हैं, kinds of nouns होते हैं, and in this chapter we have to study all these 5 types of nouns. So लेट अस बिगिन विथ कॉमन नाउन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन. बच्चों आपको ये तो ठीक से पता चल गया ना कि नाउन क्या होता है. तो अब इसमें हमें काइंड्स देखने हैं, और सबसे पहले हम कौन सा काइंड देखने वाले हैं, कॉमन नाउन. सी अ कॉमन नाउन्स आर सिंपली वर्ड्स दैट नेम पीपल, थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लेसेस. कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन नेम्स ए पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लेसेस, बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम्स ऑफ पीपल. करेक्ट, वो जो नेम्स होंगे तो वो एक्चुअल नेम नहीं होगा किसी पीपल, किसी पर्सन का या किसी थिंग का या किसी एनिमल का या किसी प्लेस का, ऐसा मतलब स्पेसिफिक वहाँ पर नेम मेंशन किया गया नहीं होगा. लेकिन बताता है प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में बताता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड प्लेयर इज अ कॉमन नाउन, बट द वर्ड सचिन इज ए प्रॉपर नाउन, बिकॉज इट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए प्लेयर. अब यहाँ पर जो है, जब बोला जाएगा प्लेयर, प्लेयर जब बोला जाएगा तो प्लेयर कोई भी हो सकता है. यहाँ पर प्लेयर मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पर आया है क्या, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम मेंशन किया गया है क्या, नहीं. तो प्लेयर हो सकता है कोई भी, वो सचिन हो सकता है, वो द्रविड़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लेकिन जब कभी भी बोला जाएगा सचिन या द्रविड़, जब ऐसा उस प्लेयर का पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम मेंशन किया जाएगा,
तो वो अलग बात है, तो वो कॉमन नाउन नहीं हो, वो मैं आपको आगे सिखाती हूँ वो क्या होगा। लेकिन जब से प्लेयर बोला गया है, या आप ले सकते हो कि टीचर, तो टीचर क्या है, टीचर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है। स्पेसिफिक नेम बताया गया है क्या कि कामे मिस या कोई दूसरे मिस, ऐसे स्पेसिफिक उनका नेम मेंशन किया गया नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर टीचर बोला गया है। इन द सेम वे प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टर, ये जो सब वर्ड्स है तो ये क्या है, कॉमन नाउन। देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, बुक, बुक का नेम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बुक बोला गया है, बुक कोई भी हो सकती है। कैट, कैट भी कोई भी हो सकती है, पर्टिकुलर नेम बताया क्या, पूसी कैट और लाइक दैट, कैट का नेम नहीं मेंशन किया गया। स्कूल, एनी स्कूल, सेंट मोनिका हो सकती है, आरोहण हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो देखा बच्चों आपने, तो यहाँ पर जो ये नेम है, पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस, तो उनके स्पेसिफिक नेम नहीं बताए गए हैं, सिर्फ जनरली उनको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गई कॉमन नाउन की, देखा आपने कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, सी नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब जब मैं कॉमन नाउन आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पर्सन के नेम मेंशन किए थे, सचिन है, द्रविड़ है, कपिल है, लाइक दैट। तो जब कभी भी हम, अब ये जो प्रॉपर नाउन है ये भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक नेम मिलेगा। एग्जाम्पल, अभय, सहारा डेजर्ट, ताजमहल, मंडे, जनवरी, लाइक दैट। तो यहाँ पर जो है, मैंने पर्सन का जब नेम बताया गया है, तो मैंने पर्सन के नेम में टीचर, कलेक्टर ऐसा नहीं बोला, जो कोई भी हो सकता है, लेकिन बट सी दैट पर्टिकुलर नेम, दैट स्पेसिफिक नेम आई हैव मेंशन, आई हैव सेड अभय। अभय मीन्स अभय, अभय मतलब सचिन हो सकता है क्या, या दूसरा कपिल हो सकता है क्या, नो, अभय मीन्स अभय, दैट पर्टिकुलर, दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स यही होता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग। अब सहारा डेजर्ट, दैट इज नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लेस। द ताजमहल, थिंग, वो एक स्पेसिफिक थिंग है। मंडे, नेम ऑफ स्पेसिफिक डे ऑफ ए वीक। एंड जनवरी, नेम ऑफ स्पेसिफिक मंथ ऑफ ईयर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल मेंशन किया हुआ है मैंने, तो इसलिए ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नाउ लेट अस मूव टू कलेक्टिव नाउन। ये तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको वो वर्ड्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ थिंग, ए ग्रुप ऑफ थिंग या कोई भी दूसरी चीजें, चीज़ों का जो ग्रुप होता है, तो उसको मेंशन करने वाले वर्ड को बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन। सी हियर द डेफिनेशन, ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल देन थिंग और एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स, तो उसको, उस पर्टिकुलर नेम को जो कलेक्शन दिखाता है, क्या दिखाता है, कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स ग्रुप, कलेक्शन मीन्स व्हाट, ग्रुप। तो जब वो ग्रुप को मेंशन करता है, तो ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। सी हियर द एग्जांपल, स्वार्म, स्वार्म ऑफ बीज, जो बीज होते हैं उनका अगर ग्रुप हो जाए, उनका अगर कलेक्शन हो जाए, तो उसको बोला जाता है स्वार्म। बंच, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनानास, तो बंच ऑफ कीज में की बहुत सारे कीज आ जाएंगे, तो जो चाबियों का गुच्छा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बंच। तो ये बंच जो है, ये स्वार्म जो है, ये कलेक्शन दिखाता है, उन चीजों का कलेक्शन दिखाता है, इसलिए उसको बोला गया है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, बुके, बुकेट ऑफ फ्लावर्स, हाँ, बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जब इकट्ठा आ जाते हैं, तो उसको, उसका क्या बन जाता है, बुके। तो बहुत सारे फ्लावर्स है, कलेक्शन, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, तो इसलिए उसको बुके। देन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जब बहुत सारे बुक्स जहाँ पर रखे जाते हैं, कलेक्शन होता है, बुक्स का कलेक्शन जिस रूम में होता है, उस रूम को बोला जाता है लाइब्रेरी।
तो वो लाइब्रेरी मतलब क्या है, बुक्स का कलेक्शन है, मीन्स ऑल दिस थिंग्स ना, दे डिस्क्राइब कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स. सो आप बीज का कलेक्शन बंच, कीज का या बनानास का कलेक्शन, बुकेट मतलब फ्लावर्स का कलेक्शन, लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स. सो इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन क्या है, जैसा कलेक्टिव नाउन सिंपल है एकदम, वैसे मटेरियल नाउन भी एकदम सिंपल है. मटेरियल नाउन्स इज द नेम ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड. ऐसी चीजों का नाम है मटेरियल नाउन कि जिससे मटेरियल, देखो मटेरियल में ही सब कुछ आ जाता है, तो ऐसे मटेरियल्स का नेम जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती है. देखो ज्वेलरी किस चीज से बनती है, गोल्ड, तो गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन. या दूसरा फर्नीचर वो कुछ होता है, पॉट्स वो किसके बनते हैं, आयरन के बनते हैं, तो आयरन भी हो गया मटेरियल नाउन. या फिर वुड है, वुड से भी फर्नीचर बनते हैं, तो इसलिए वुड भी हो गया मटेरियल नाउन. आयरन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी चीजें बनती हैं, तो प्लास्टिक भी हो गया मटेरियल नाउन. तो द थिंग्स फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन. याद रहेगा. देखो आपको सिर्फ ये जो टाइप्स ऑफ नाउन्स है ना, तो उनके नेम्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करो. यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ जाएगा एकदम. कॉमन मतलब कॉमनली जो डिस्क्राइब करता है, तो कॉमन नाउन. प्रॉपर मतलब एक स्पेसिफिक थिंग को, पर्सन को, प्लेस को जो डिस्क्राइब करता है, वो प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है, तो कलेक्शन मतलब ग्रुप. मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिससे दूसरी चीजें बनती है, द थिंग फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड, मटेरियल. समझ में आ गया. ये लेदर है मटेरियल नाउन, क्योंकि उससे शूज बनते हैं, चप्पल्स बनते हैं, तो वो लेदर क्या हो गया, मटेरियल नाउन. नेक्स्ट लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये जो नाउन है, ये अच्छे से आप क्या करो, देखो. सी हियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी. अब जब एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, लेकिन उसके साथ में मैंने और दो चीजें ऐड की, एक्शन एंड देन आफ्टर क्वालिटी. एक्शन या क्वालिटी, तो वो जो एक्शन क्वालिटी है ना, वो अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा. सी हियर, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ इक्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैनॉट बी टच्ड. तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट